हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का 55वां दीक्षांत समारोह राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव ने 442 महिला कांस्टेबल को कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान हासिल करने वाली महिला कांस्टेबल को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डीजीपी ट्रेनिंग राजीव दासोत ने संबोधित करते हुए राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा पिछले एक साल में 11,000 पुलिस कांस्टेबल को गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि क्वालिटी ट्रेनिंग के कारण पूरे देश में इस संस्थान का गौरव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य डॉक्टर विष्णु कांत ने भी प्रतिवेदन पेश करने के साथ ट्रेनिंग के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने परेड का निरीक्षण करने के साथ ही परेड की सलामी ली और उसके साथ ही अपने संबोधन में शक्ति और सद्भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ट्रेनिंग लेने वाले जवानों को चाहिए कि उनके क्षेत्र में जाकर पूरे विश्वास और निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, साथ ही अच्छे व्यवहार से सद्भाव भी कायम रखें। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं के आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि जितनी महिला कांस्टेबल भर्ती होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, इसलिए महिलाओं को भी पुलिस बेड़े में आने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में रेंज आईजी सचिन मित्तल, पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीआईजी सवाई सिंह गोदारा, डीसीपी डॉक्टर रवि, प्रीति चंद्रा, रेलवे एसीपी ममता विश्नोई, ग्रामीण एसीपी राहुल बारट के अलावा रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने भी शिरकत की। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण, आरपीटीसी का, पीटीएस के सभी स्टाफ मेंबर्स, यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, ट्रेनिंग के परिजन जो आए हुए हैं दूर दूर से, और सभी आज जो पास आउट हो रहे हैं शिक्षु साथियों, आज बहुत ही न केवल आपके लिए बल्कि मेरे लिए राजस्थान पुलिस के मुख्य तौर पर बहुत ही गौरव का क्षण है। आपकी इतनी शानदार परेड
देखकर मैं आश्वस्त हुआ हूँ कि आप आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस के गौरव की शान में वृद्धि करेंगे। आपकी परेड से एक बात तो मुझे आज प्रदर्शित हुई है कि जो आपने अपनी ट्रेनिंग में बताया, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज RPTC संपूर्ण देश में सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर है। लॉन्ग डिस्टेंस कॉलेज के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए आपने प्रतिष्ठा के अनुरूप जिन्होंने प्रशिक्षण आपको दिया है वो जाहिर है आपके प्रदर्शन से। मैं उम्मीद करूँगा इस प्रदर्शन को आप जहाँ जाएँ, जिस गाइड में आप जाएँ, जारी रखें, इसी प्रेरणा से इसी उत्साह से काम करते हैं। आप की जब मैं कभी निरीक्षण कर रहा था तो मुझे एक बात स्पष्ट दिखाई दी कि आपने शारीरिक तैयारी बेहतर की है, आप ऊर्जा है, उत्साह है। एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब यहाँ मंच के सामने से आप जो गुजर रहे थे आप लोग, तो कुछ ट्रेनिंग हुई है वो भी क्वालिटी वाली, देश में जो RPTC का नाम भी बड़े संस्थानों में लिया जाने लगा है। नहीं, बिल्कुल है, हमारे सभी प्रशिक्षण संस्थान बहुत अच्छा कर रहे हैं, RPTC उनमें से एक है नो डाउट। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये पहले से भी अच्छा रहा है, अब इसने और उत्कृष्टता के नए आयाम बनाए हैं। मुझे उम्मीद है बाकी जा रहे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इससे प्रेरित होंगे और सभी अच्छा करेंगे। सर, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल उठते रहे हैं, खासतौर से जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और जिस तरह के अभी एक गैंग सक्रिय हुई है 007 के नाम से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनौतियां पुलिस का काम है, अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो हमारा फिर हैं किसके लिए? हम अपराधी हैं, नए नए तरह के अपराध करते हैं, नई गैंग्स हैं बनती हैं, हमारा काम है उनको न्यूट्रलाइज करना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें कानून के दायरे में लाना। तो चुनौतियां हैं, हमारे जो सभी साथी हैं जब जोधपुर ही नहीं पूरे प्रांत में अलग अलग कोने में वो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, यथाशक्ति जो हमारे साधन हैं उनके भीतर रह के, एंड मुझे बहुत फख्र है, अच्छा काम कर रहे हैं। काम में जब इतना काम होता है छोट कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, हो जाती हैं, उनमें यथासंभव हम दुरुस्ती करते हैं, कोशिश करते हैं कमी और ना रहें, गलतियाँ ना हों और बेहतर करते रहें, सुधार करेंगे। थानों में कैमरे कब तक लग जाएंगे? थानों में जो कैमरे लगा, अभी इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, अभी प्रोक्योरमेंट होगा, खरीद जाएंगे, तो सारी प्रक्रिया में कुछ महीने तो लगते ही कम से कम, तो मुझे उम्मीद है अगले बजट से पहले पहले सब जगह लग जाएंगे। सर, एक अति आधुनिक हथियार उनके पास में नजर आ रहे हैं और जो वीडियो भी वायरल, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो वीडियो पर हम देखते हैं वो सारा, उसमें कौन सा वीडियो आपने देखा मुझे ध्यान नहीं है, और वो कहाँ खींचा गया है, उसमें कौन सा हथियार है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कितना आधुनिक है, ये कहना यहाँ मुश्किल है मेरे लिए जब तक हथियार बरामद नहीं होता है। सर, साइबर क्राइम की बात करें तो उसको, उससे निपटने के लिए कोई कार्य योजना राजस्थान पुलिस की? कार्य योजना है, साइबर क्राइम लगभग सभी पुलिस स्टेशन में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको मूलभूत बहुत बेसिक ट्रेनिंग साइबर क्राइम की सबको दी गई है और दी जा रही है। उसके अलावा विशेष इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं हर एक संभागीय मुख्यालय पर, जिलों में और राज्य स्तर पर भी, जो हमारा साइबर क्राइम की इकाई थी उसको SOG के अंतर्गत लाकर और परिवर्तित संवर्धित करके और उसको कुशल बनाया जा रहा है, तो जल्दी ही मुझे लगता है अच्छे परिणाम उसके आएंगे। गैंग पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? गैंग पर कार्रवाई जारी रहती है, अब आप ये कहना चाह रहे हैं पकड़े कब तक जाएंगे? कार्रवाई तो चल ही रही है, तो देखिए उम्मीद है जल्दी पकड़े जाएंगे। लेट अस सी।